हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर प्रगति सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ मेंटर्स एडुसर्व। तो बेटा, आज हम जो टॉपिक आपके पास लेकर आए उसमें हम आपको ये बताएंगे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट कैसे हम सिक्योर कर सकते। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को अभी ये भी नहीं पता है कि कितने मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है। तो बेटा, टोटल पेपर 720 मार्क्स का होता है। अगर आप इसमें 610 प्लस स्कोर करते हो, 620 प्लस स्कोर करते हो, तो ये वेरी सर्टेन है कि यू आर गोइंग टू गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट इन नीट 2023। अगर बेटा आप 610 के बिलो स्कोर कर सकते हो तो करते हो तो थोड़ा डाउटफुल होता है। तो सेफ साइड में रखने के लिए बेटा 610 प्लस स्कोर करने की कोशिश करो। अगर 600 भी स्कोर करते हो तो यू कैन गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट। तो बेटा, आपको मिनिमम 600 स्कोर करना ही है आउट ऑफ 720 मार्क्स, ठीक है? इतना स्कोर करोगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज की एक मेडिकल सीट आराम से मिल जाएगी। अब देखो बेटा, सबका सपना होता है एम्स दिल्ली जाना, एमएएमसी जाना एंड जिपमर जाना, केजीएमसी जाना, ठीक है? तो इसके लिए बेटा आपको स्ट्रैटेजी बनानी होती है पढ़ने के लिए, ठीक है? गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं होता, बट इतना मुश्किल भी नहीं होता। और अभी बेटा आपके पास 25 डेज बचे हैं, जिसको अगर तुम आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट करो, प्रॉपरली यूज करो, तो क्या होगा, आप आसानी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट तक पहुंच सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले क्या है, आपको सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं, सबसे पहले तो आप कंफ्यूज मत हो कि कहां से क्या करूं। अगर आप अपने आप से पूछो और आपको लगता है कि आप इन बचे 25 डेज में कुछ कर सकते हो, अगर आपके अंदर से हाँ आ रहा है बेटा, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अपने आप पे भरोसा रखो और 25 डेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करो। पैनिक नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लाना है अपने, बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। डू और डाई सिचुएशन है बेटा, आपको करना ही है। इन 25 डेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करोगे तो यू कैन डू इट, ठीक है ना बेटा? तो नेक्स्ट जब हम देखेंगे बेटा क्या होता है, बच्चे अभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनने कुछ पढ़ा ही नहीं और अब 25 डेज में वो कुछ कर ही नहीं सकते। तो बेटा, 2 साल तुमने पढ़ाई की है और अच्छे से पढ़ाई की है, तो बेटा अब उसको तुम्हें रैप अप करने की जरूरत है। तो उसको चैप्टर वाइज तुम ना रैप अप करने की कोशिश करो, एक्यूमुलेट करने की कोशिश करो। जो स्कैटर्ड नॉलेज तुमको है ना, उसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करो। ऐसा करोगे ना तो तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगी। तो चीजों को रैप अप करने की कोशिश करो, सेल्फ डाउट मत रखो, डिविएशन अवॉइड करो, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचो। मैंने पहले भी बताया, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचो, बस अपना मैक्सिमम पढ़ाई करो इन लास्ट 25 डेज में बेटा। फ्रीक्वेंट रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंट रिविजन बेटा किसकी करनी है, अब ये सवाल उठता है। तो बेटा, जो तुमने नोट्स बनाए हैं उसको एक बार बस ऊपर से देख लो, और एनसीईआरटी को जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ो। कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। जब तुमने चैप्टर पढ़ ली बेटा, तो पीवाईक्यूज तुम लगा सकते हो। और मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं पीवाईक्यूज में, उसमें सिंगल टिक लगाओ। जो जो थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं, जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उसमें सर्कल करो, एंड जो बिल्कुल ही नहीं हो रही है उसको क्रॉस कर दो। तो बेटा, जो तुमने पहले सिंगल टिक लगाए हुए है ना, अब वो तुमको रिवाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, उन क्वेश्चंस पे टाइम देना है, क्योंकि तुम वो अभी भी लगाओगे तो वो लगेंगे ही। तो तुम अब उन क्वेश्चंस पे टाइम दो जिसमें तुमने सर्कल करा हुआ है या फिर क्रॉस करा हुआ है, ठीक है? तो बेटा, इतना करोगे ना तो तुम जो भी चीजें जहां पर तुमको कंफ्यूजन थी ना, वो चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी और अपने आप से मार्क्स बढ़ने लगेंगे। अगर तुम 300 स्कोर कर रहे हो तो 600 स्कोर करना स्टार्ट कर दोगे, अगर तुमने चीजों को रैप अप करना स्टार्ट कर दिया बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंट रिविजन करो, और बेटा हर मोमेंट पे आप 4 मार्क्स के लिए पढ़ो। बस आप, अगर आप अभी एवरेज 15 आवर्स भी निकालते हो पर डे का, अगर 15 आवर्स भी निकालते हो बेटा, तो आपके पास ओवरऑल 375 आवर्स होते हैं। तो इन 375 आर में जब भी पढ़ाई करो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं 4 मार्क्स के लिए पढ़ रहा हूं। अगर ये सोच के पढ़ोगे ना तो तुम्हारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। हर मोमेंट पे तुम अपना 100% दे पाओगे। तो ये सोच के करो, हर मोमेंट पे पढ़ाई करो 4 मार्क्स के लिए, ठीक है बेटा? मॉक टेस्ट लगाओ, अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं भी लगा रहे हो तो पीवाईक्यूज लगाओ, एंड पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQs एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PYQ के एनालिसिस से तुम्हें पता लगेगा कि एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक क्या है। PYQs इसलिए तो लगाने कहते हैं क्योंकि PYQs में एक ही टॉपिक बार बार एग्जामिनर यूज करते हैं, क्योंकि 30 ईयर्स से पेपर चल रहा है ना बेटा, और क्वेश्चन सेट करने वाले वही लोग हैं।
तो वो अपने फेवरेट टॉपिक को बार बार रिपीट करते हैं, तो तुम इससे PYQs लगाने से तुम्हें एग्जामिनर के दिमाग के बारे में पता चल जाते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चंस अराइज कर रहे हैं। तो PYQ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं बेटा, उसको NCERT में जाके पढ़ो, PYQs का एक्सप्लेनेशन देखो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कम्पीट विथ योर सेल्फ। तुम्हें बेटा जैसे तुमने आज टेस्ट दिया, तुम्हें मान लो 300 मार्क्स आ रहे, तो नेक्स्ट में कोशिश करो कि मैं 300 से ज्यादा लाऊंगा, उसके आगे कोशिश करो मैं उससे ज्यादा लाऊंगा, खुद से कम्पीट करो, है ना। क्योंकि दूसरों को देखोगे तो डिप्रेस होगे, एंजाइटी होगी, स्ट्रेस, और अब किसी दूसरे को देखने का टाइम ही नहीं बचा है, 25 डेज बचे। अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को ग्रूम करो, ठीक है। तो कम्पीट विद योर सेल्फ, है ना। मोटिवेशन कहाँ से आएगा? मोटिवेशन भी चाहिए होता है ना, आपको मोटिवेशन चाहिए होता है। तो बेटा मोटिवेशन आपके घर में ही है, आपके पेरेंट्स हैं आपकी मोटिवेशन, कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है उनने आपके लिए। तो अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ो, ठीक है, खुद के लिए पढ़ो, और किसी के बारे में मत सोचो कि फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, है ना। किसी के बारे में नहीं सोचना है, रिजल्ट तक के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ डू और डाई सिचुएशन है, सिर्फ पढ़ाई करो, मोटिवेटेड रहो बेटा, सेल्फ डाउट नहीं रखनी है आपको। क्योंकि अगर तुम सेल्फ डाउट रखते हो, नेगेटिव थिंकिंग रखते हो, तो इससे आपका रिजल्ट बहुत हैम्पर होता है, आपको समझ भी नहीं आता और रिजल्ट बहुत हैम्पर होता है, क्योंकि आप अपना 100% दे ही नहीं पाते हो। एक नेगेटिव थिंकिंग आपको 10-20% ड्रैग कर लेती है आपके रिजल्ट से। अगर आप 90% स्कोर कर रहे हो तो आप 70 तक ड्रॉप कर सकते हो, और 70% जो स्कोर कर रहा था अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई कर रहा है तो वो 90 तक स्कोर कर सकता है। तो नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? तो बेटा सारी जितने भी टाइम है ना, अभी 24 आवर्स कम नहीं होता है, तो 24 आवर्स में मैक्सिमम टाइम आप अभी पढ़ाई को दो, और कुछ नहीं करना है, टाइम खुद ही मैनेज हो जाएगा। और अपने टारगेट को कंप्लीट करो बेटा, जो टारगेट तुमने लास्ट डे फिक्स करा है कल कंप्लीट करने के लिए, वो अगर तुम नेक्स्ट डे कंप्लीट करोगे तो तुम खुद से तुम्हें ऐसा फील होगा कि हाँ तुम कर पा रहे हो, तो इससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या करना है, ऑन एन एवरेज 15-40 आवर्स रोज पढ़ाई को दो, 15-14 आवर्स, ठीक है। और अगर तुम इतना 25 डेज करते हो तो 375 आवर्स बेटा, तो सफिशियंट है रिविजन के लिए। लेकिन बस यही है कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। अब बेटा कितने मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, तो और कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो एंड आप 600 प्लस स्कोर करते हो, मिनिमम 600 प्लस स्कोर कर रहे हो, 600 भी हो सकता है ये, 601, 602, 603, तो अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो मिनिमम, तो चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी। एंड इसके लिए आपको 150 मिनिमम क्वेश्चंस सही करने होंगे, प्लस तो आप कितनी भी कर लो, मिनिमम 150 क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे आपके लिए, आपको इसके लिए। EWS में अगर देखे बेटा तो 598 मिनिमम, ऑलमोस्ट 600 ही है ये, तो बेटा इसके लिए भी आपको 150 प्लस क्वेश्चन सही करने होंगे। मिनिमम 150 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए तो यू कैन गेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। बेटा OBC में अगर देखें तो 590 प्लस स्कोर करना पड़ेगा आपको, इसके लिए भी 140 प्लस 147 क्वेश्चन आपको मिनिमम करेक्ट करने होंगे, तो ऑलमोस्ट वही रेंज है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर SC कैटेगरी वाले हैं तो 450 प्लस, मिनिमम 450 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे, यानी कि 115 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग तो कम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ST, अगर आप ST कैटेगरी में लाए करते हो तो 420 आपके मिनिमम स्कोर होने चाहिए। अगर आप 105 करेक्ट कर रहे हो तो आपको इतना स्कोर कर सकते हो एंड यू कैन गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, कुछ अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो इसके लिए आपको पता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के फी में बहुत डिफरेंस है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको 1 ईयर की फी 15 लाख तक होती है, 20 लाख तक होती है, एंड वही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 240 रुपीज पर ईयर तक की होती है। तो ये चीज भी आप मोटिवेशन के तौर पर देख सकते हो कि वाई यू हैव टू गो इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेटा। तो देखो जो टॉप कॉलेजेस हैं उनकी भी फी कितनी रीजनेबल है बेटा। एम्स अगर देखो तो 1600 पर ईयर एम्स की फी है, सोचो 1600 रुपए एक साल की, और अगर 4 साल की देखो तो 1600 × 4 कर लो, तो इतने कम रुपीज में आप एम्स दिल्ली में पढ़ लेते हो, सोचो। नेक्स्ट है बेटा CMC वेल्लोर, तो CMC वेल्लोर में पर ईयर की फी है 3000 रुपीज, ठीक है। KGMC जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में है, ये बेटा इसकी फी है 26000 पर ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है BHU जो कि जिसकी फी है 4000 रुपीज पर ईयर, जस्ट 4000 रुपीज,
सिपमर में अगर देखो बेटा तो इसकी भी फी 4,000 रुपीज पर ईयर है। एमएएमसी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, इसकी फी जस्ट 240 रुपीज पर ईयर है। जस्ट इमेजिन 240 रुपीज पर ईयर कितना कम होता है, सोचो। एएफएमसी पुणे के अंदर 6,600 रुपीज पर ईयर एंड लेडी हार्डिंग के अंदर 1,400 रुपीज पर ईयर। बेटा इतनी इतनी लो फी के अंदर गवर्नमेंट तुमको मेडिकल की पढ़ाई करवाती है, तो आखिर इसकी फी देते कौन है? तो वो गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो बेटा गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी फी इतनी रीजनेबल होती है, ठीक है, इतना कम तो लोन भी नहीं मिलता 240 रुपीज पर ईयर। तो बेटा अपने आप को लगा दो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है। ड्रॉप के बारे में बेटा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, ड्रॉपर बिल्कुल बनना ही नहीं आपको। इन 25 डेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करो, यू कैन बी देयर, पॉसिबल है, यू कैन बी देयर। बस 25 डेज अपना मैक्सिमम करो बेटा, है ना, ठीक है बेटा, इतना करो तुम लोग, अपने आप पे भरोसा रखो बच्चों, ठीक है। 25 डेज अपना मैक्सिमम करो, अपने आप पे भरोसा रखो, बस बस पढ़ाई करनी है बेटा, फालतू कुछ नहीं करना है, डेविएशन बिल्कुल नहीं रखना है। सोशल मीडिया ये सब 25 दिन बाद यूज करो ना, जहां भी घूमने जाना है वो 25 डेज के बाद करो। जो भी टारगेट तुमने रख रखे हैं, जो भी करना है, जहां भी घूमना है, वो सब 25 डेज बाद करो। देखो अगर तुम्हारा रिजल्ट होता है ना, तो तुम्हारे दुनिया तुम्हारे घर आएगी तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए। सोचो कितना प्राउड मोमेंट होगा तुम्हारे लिए एंड तुम्हारे पेरेंट्स के लिए। तो बेटा इतना सोच के पढ़ाई करो, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचो। 100% एफिशिएंसी तभी हो पाएगी, क्योंकि अगर रिजल्ट के बारे में सोचते हो ना, तो फिर स्ट्रेस में आ जाते हो, क्योंकि ओवरथिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई ओवरथिंक नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है बेटा। थैंक यू।